पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर सेकेंड ट्रेड टू टेरेट्री क्लेम टू पैरामाउंटेंसी अब पैरामाउंटेंसी के लिए क्लेम करना कि हम सबसे अच्छे हैं सबसे ज़्यादा ऊपर हैं उसके लिए क्लेम करना इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी द कंपनी परसुएडेड एज एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा मराठास के साथ वार हुई उसके बाद में आपकी बैटल ऑफ लासी हुई उसके बाद में बक्सर हुई बैटल ऑफ बक्सर हुई तो इन सब में जो है आपकी कंपनी जो है वो एक एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए ये जो अर्ली नाइनटीन सेंचुरी थी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक न्यू पॉलिसी ऑफ पॉरा माउंटेन्सी वॉज इनिशिएटिव एक नई पॉलिसी बनाई गई थी सर्वोच्चता की उसको स्टार्ट कर दिया गया था कि हम सबसे ऊपर हैं नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम अब जो कंपनी थी वो ये क्लेम कर रही थी कि जो उनकी अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर है वो सुप्रीम पावर है पॉवर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स इसलिए उनकी जो पावर थी कंपनी की जो पावर थी वो इंडियन स्टेट से बहुत ज्यादा थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एन इंडियन किंगडम और ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दे दी ये जस्टिफाई कर दिया कि वो किसी भी इंडियन किंगडम को अनेक्स कर सकते हैं या उनको थ्रेटन कर सकते हैं एनेक्स करने के लिए दिस व्यू कॉन्टिन्यू टू ग्लाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल ये जो उनका नजरिया था ये बाद में उनको आगे लेके गया जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो आगे भी चली दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अन चैलेंजड अब ये जो प्रोसेस था ये बिना चैलेंज के नहीं गया एग्जाम्पल ऑफ कितूर इन कर्नाटका टूडे रानी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट अब क्योंकि ये जो आपका सबसे ऊपर वाली पावर बनाने का जो इन्होंने रूल टाइप बना लिया था ये जो ब्रिटिशर्स थे अब छोटी छोटी स्टेट्स को एनेक्स कर रहे थे अब इस प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए कितूर में एक एग्जाम्पल है कि कितूर जो कि कर्नाटका में है वहां पे रानी चन्नम्मा जो थी उन्होंने आर्म्स उठा लिए उन्होंने हथियार उठा लिया और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ शी वॉज अरेस्टेड इन एटीन एंड डाइड इन प्रिजन इन एटीन उसको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और वो कारागार में वो जेल में अठारह में मर गई बट रैना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कटूर कैरीड ऑन द रजिस्टेंस लेकिन जो रायना था एक पुअर चौकीदार था एक गरीब चौकीदार था संगोली का जो कि कित्तौर में है उसने रेजिस्टेंस को कैरी किया विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स अब क्योंकि वो उसके पास पॉपुलर सपोर्ट थी उसने बहुत सारे ब्रिटिशर्स ब्रिटिश British के कैंप और उनके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया खत्म कर दिया

वरीड अबाउट रशिया 1830 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित होगी रशिया के लिए इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अब वो ऐसा सोच रहे थे कि रशिया जो है वो शायद से एशिया पूरे एशिया पे अपना एक्सपेंशन बना देगा नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर कर जाएगा

1838 और 1842 में और इसके दौरान उन्होंने बहुत लंबी सी एक वॉर चलाई और एस्टैब्लिश किया एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पे सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 जो सिंध है वो अट्ठारह में उन्होंने टेक ओवर किया उस नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब फिर बाद में पंजाब बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो वहां पे प्रेजेंट थे उन्होंने कंपनी को वापिस भेज दिया रोक दिया आफ्टर हिज डेथ इन एटीन थर्टी नाइन टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम अठारह की में जब उनकी डेथ होगी महाराजा रंजीत सिंह की उसके बाद उन्होंने सिख किंगडम के साथ सिख का जो किंगडम था जो राज्य था उसके साथ उन्होंने दो लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ट 1849 में पंजाब को उन्होंने हरा दिया और उसके उसको जीत लिया डॉक्टर ऑफ लैब्स द फाइनल वेव ऑफ अकर्ड अंडर डॉल्ट लॉर्ड डलाउजी हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 फोर्टी एट टू एटीन जो आखिरी एनेक्सेशन की जो लहर थी वो आपकी लॉर्ड डलाउजी के अंडर हुई जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक ही डिवाइज द पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्टर ऑफ लैब्स उसने एक पॉलिसी बनाई जिसको बाद में ऑफ के नाम से जाना गया। अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी डॉक्टरिन ने यह डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी इंडियन रूलर जो है अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है तो उसका अगर मेल हायर नहीं है उसका मेल उत्तराधिकारी नहीं है उसके किंगडम का, तो उसका किंगडम जो है वो लैप्स कर जाएगा इसका मतलब यह है कि कंपनी की टेरिटरी में मिल जाएगा वन किंगडम आफ्टर अनदर वर्स एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्टरीन एक के बाद एक राज्य जो है वो इसी तरीके से एनेक्स कर दिए जा रहे थे और कंपनी के अंदर जुड़ते जा रहे थे डॉक्टरीन के मुताबिक सतारा 1848 में संबलपुर 1850 में उदयपुर अठारह में नागपुर अठारह में और झांसी अठारह में झांसी अठारह में जो है वो आपके कंपनी में कंपनी के टेरिटरी में मिल चुके थे फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध और अंततः 1856 में कंपनी ने अवध को भी टेक ओवर कर लिया था This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. ab अपने argument के लिए अपनी जो answer देने के लिए अपने argument के लिए उन्होंने ये कहा कि वो अपनी duty कर रहे थे कि वो अवध के लोगों को वहाँ के जो नवाब थे उनसे फ्री कराना चाहते थे उनसे आज़ाद कराना चाहते थे उनकी जो गलत तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी उसके खिलाफ जो है उनको फ्री कराना चाहते थे एनरेज बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिस्पोज द पीपल ऑफ अवध joined द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन एटीन अब ये जो उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वे ढूंढ लिया था नवाबों को डिस्पोज करने का इसके द्वारा जो अवध के जो लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट जो कि 1857 में पूर्ण स्वराज का जो आपका रिवोल्ट था वो उन्होंने उसके अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया उसमें ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया अब ये मैप्स देखिए इसमें ब्रिटिश के अंडर जो रूल्स था वो उन्होंने सेवनटीन में दिखाया है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ ये येलो कलर वाले जो बनारस कलकत्ता हैदराबाद के कुछ एरियाज़ और साउथ में कुछ एरियाज़ जो थे वहीं पे आपके ब्रिटिशर्स का रूल था और बाकी का जो ऑरेंज एरिया है ये सारा आपका ब्रिटिशर्स रूल के अंडर नहीं था फिर 1840 में देखिए आपका हाफ़ आप कह सकते हैं नियर अबाउट हाफ ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स नेक्यूपाई कर लिया था एनेक्स कर लिया था वहाँ पर रूल कर रहे थे और 1857 आते आते ब्रिटिशर्स जो हैं ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 70 परसेंट जो इंडिया का पार्ट है वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था annex कर लिया था और वो उस पर रूल कर रहे थे सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना वॉरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम सेवनटीन टू एन सेवनटीन वॉरन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 में वॉज वन ऑफ द मैनी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर इनका एक बहुत बड़ा हाथ था एक बहुत बड़ी फिगर थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थे जिन्होंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपैंड करने के लिए बाई हिस टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड उसके टाइम में जो कंपनी थी उन्होंने सिर्फ बंगाल में ही नहीं बॉम्बे मद्रास में भी अपनी पावर को एक्वायर कर लिया था ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश टेरिटरीज जो हैं उनको खास तौर पे डिवाइड किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो थी जिनको उन्होंने प्रेजिडेंसीज कहा देर वर थ्री प्रेजिडेंसी तीन प्रेजिडेंसीज उन्होंने बना दी थी बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर ये तीनों प्रेजिडेंसीज जो हैं उनको एक गवर्नर जो है वो रूल करेगा द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम हेड होगा इन तीनों एडमिन तीनों प्रेजिडेंसीज का जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटिबली इन द दफेयर ऑफ जस्टिस हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिनको की जस्टिस के नजर से देखा जा सकता है From 1772 सत्रह सौ 1772 से एक नया जस्टिस का सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू में दो कोर्ट्स जो है वो बनाए गए एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा गया और एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा गया मोलवीज एंड हिंदू पंडित यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट हु ओवर सिविल कोर्ट्स मोलवी और हिंदू पंडित जो थे उन्होंने इंटरप्रेट किया इंडियन लॉज को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए जो कि सिविल कोर्ट्स में आपके प्रिसाइड हुए द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो अभी भी काजी और मुफ्तीज के अंडर थे जो कि आपकी कलेक्टर्स की आ, की सुपरविजन में चल रहे थे अब काजी एक जज होता है मुफ्ती एक ज्यूरिस्ट होता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का होता है अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मिन पंडितिफरेंट इंटरप्रेटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र एक बहुत बड़ी समस्या वो ये थी कि जो आपके ब्राह्मण पंडित थे वो लोकल लॉज जो थे आपके वो अलग अलग धर्मशास्त्र के स्कूल से उ, उसी की तरीके से उनको इंटरप्रेट कर रहे थे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एक एक समानता लाने के लिए इन नाइन इन सेवनटीन सेवनटी फाइव इलेवन आस्ट टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू 1775 में 11 पंडितों को बिठाया गया ताकि हिंदू लॉ को एक कंपाइल किया जाए और एक डाइजेस्ट बनाया जाए एन बी हॉल हर्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश जो एन बी हॉल हर्ड थे उन्होंने ट्रांसलेट किया इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में बाय 1778 सेवेंटी एट ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस 1778 में जो मुस्लिम लाज का था उसको भी कंपाइल कर दिया गया ताकि यूरोप के लिए आसानी हो थ्री का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंडर एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया वाइल्ड कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता अब कोर्ट ऑफ अपील के लिए एक कोर्ट ऑफ अपील जो है सरदार निजामत अदालत जो है वो भी सेटअप कर दी गई कलकत्ता में द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर एक प्रिंसिपल फिगर जो बनाई गई थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में वो एक कलेक्टर था एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास अब जैसा कि उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना टैक्सीज़ कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस कर्मचारियों की मदद से पुलिस ऑफिसर्स की मदद से जज की मदद से और आपके दरोगा की मदद से हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैटर दैट स्टडीली रिप्लेस्ड वेरियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी जो उसका नया ऑफिस था जो उसका ऑफिस था जिसको कलेक्ट्रेट कहा गया वो एक नया सेंटर बन गया पावर और पेट्रोनेज का जहां पे कि अथॉरिटी जो है अपना एक होल्ड जमाएगी द कंपनी आर्मी कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉड इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ कॉलोनियल रूल जो इंडिया में था वो कुछ नए आइडियाज एडमिनिस्ट्रेशन के लेके आया और रिफॉर्म्स के लेकिन उसकी जो पावर थी वो सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर ही बेस्ड थी द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी जिनको सवार कहा जाता है ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स मुगल आर्मी में ज्यादातर आपकी कैवलरी थी जिसमें सवार थे ट्रेन सोल्जर्स थे जो कि घोड़े पे बैठते थे एंड इन्फेंट्री जो कि पैदल फौज थी आपकी वो आपकी इन्फेंट्री थी दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ द स्वाड उनको आर्चरी की और स्वाड्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री कैवलरी जो है वो आर्मी पे डोमिनेट करती थी और मुगल स्टेट जो थी उनको कभी भी जरूरत महसूस नहीं हुई एक ट्रेंड इन्फेंट्री की द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स जो रूरल एरियाज गांव के इलाके जो थे उनमें बहुत सारे आर्म्ड पीजेंट्स थे और लोकल जमींदार जो थे वो ज्यादातर सप्लाई करते थे मुगल को पैदल फौज अ चेंज अकर्ड इन सेंचुरी व्हेन मुगल स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इन टू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल सोल्जर्स एक बहुत बड़ा चेंज जो आया वो अठारहवीं शताब्दी में आया जब मुगल के सक्सेसर जो स्टेट्स थी जो कि अवध बनारस जैसे थे वो जो आपके किसान थे उनको रिक्रूट करना शुरू कर गए आर्मी में और उनको एक प्रोफेशनल सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू कर गए द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मैथड वेन इट बिगेन रिक्रूटिंग फॉर इट्स ओन आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेम इसी तरीके का एक मैथड अपनाया इसी तरीके का एक तरीका अपनाया जो कि रिक्रूटमेंट का था जिसमें उन्होंने आर्मी में रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दी भर्ती करना स्टार्ट कर दी विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी जिसको उन्होंने सिपाही आर्मी कहा जिसको कि हिंदी भाषा में सिपाही कहा जाता है सोल्जर एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द एटीन ट्वेंटीज एटीन ट्वेंटीज में आपकी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई थी द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड जो कैवलरी आर्मी थी कैवलरी रिक्वायरमेंट थी जो कंपनी की आर्मी में वो डिक्लाइंट होगी गई दो कम हो गई दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर फाइटिंग इन बर्मा क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो आपका बर्मा में लड़ रहा था अफगानिस्तान में लड़ रहा था और इजिप्ट में लड़ रहा था वे सोल्जर सोल्जर्स जो थे वो और से पूरे आर्म्ड हुए थे द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इंपॉर्टेंट अब सोल्जर्स जो कि कंपनी में थे वो अपने आप को चेंज करना चाहते थे मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स जो है उनके साथ समय के साथ अपने आप को चेंज कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए उनको ज़्यादा आगे लाया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर उन्नीसवीं शताब्दी शुरू में आपके ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट कर दिया शुरू कर दिया सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग सोल्जर्स जो थे उनको यूरोपियन ट्राइल स्टाइल ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी गई ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर और उनको ड्रिल भी सिखाई गई डिसिप्लिन भी सिखाया गया जो कि उनकी जिंदगी में पहले नहीं था उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें उनको बताना जो ड्रिल थी जो आर्मी का जो डिसिप्लिन था वो सब सिखाना शुरू कर दिया गया ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोरड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स अब प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होना शुरू हो गई क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग इसमें नहीं देखी जा रही थी जब ये आर्मी बनाई जा रही थी प्रोफेशनल सोल्जर्स की कुड इंडिविजुअल्स सो इजली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजन्स फीलिंग क्या इंडिविजुअल जो लोग वहां पर जो काम कर रहे थे क्या वो अपने कास्ट और रिलीजन फीलिंग को छोड़ दें

रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन गिवस अ ग्लिम्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ सिपाइज एटीन फिफ्टी सेवन का जो रिवोल्ट है वो एक आपको ग्लिम्स दिखाता है कि आपकी सिपाही की दुनिया कैसी है आप इसके बारे में चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर फाइव में जो है वो पढ़ेंगे कंक्लूजन दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कलोनी पावर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में द अराइवल ऑफ न्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस और ये जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी आई थी नाइनटीन सेंचुरी में नाइन्टीन सेंचुरी की शुरुआत में उसने इस प्रो, प्रोसेस को शुरुआत दे दी यही उस प्रोसेस में एक और स्टेप आ गया टैन इट वुड टेक एनी वेयर बिटवीन सिक्स एंड एट मंथ्स टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी तब तक इंडिया से सी सी के जरिए इंडिया में आने के लिए छः से आठ महीने लग जाते थे स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू तो थ्री वीक्स एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया जिस स्टीम शिप्स की वजह से जो जर्नी है उनकी जो उनकी यात्रा है उसका टाइम कम हो गया वो आठ से छः महीने से लेके कर तीन हफ्ते तक में वो यहाँ पे पहुँच रहे थे ब्रिटिशर्स खुद और अपनी फैमिलीज़ को लेके इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी दूर है वहाँ पे आराम से आ जा रहे थे बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63 परसेंट ऑफ़ द टेरिटरी एंड 73 परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ़ द इंडियन सब कॉन्टीनेंट तक जो आपकी कंपनी है उन्होंने डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया था तिरसठ परसेंट टेरेटरी पे और अठहत्तर परसेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन पे कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अब ये जो आपका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था बाकी की टेरिटरी में और बाकी की कंट्री की पॉपुलेशन में द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल अब उन सब को भी अगर जोड़ दिया जाए इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उन सब जगहों पे भी पड़ रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे इंडिया पे ही एक तरीके से जो है वो रूल कर रही थी इस टाइम तक तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप मे पूछ सकते हैं तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी डिस्कस कर दिए जाएंगे थैंक यू बच्चों हैव अ नाइस डे